अंत में सत्य की जीत हुई और करप्ट बेईमान लोगों की हार हुई अरविंद केजरीवाल जी को अब मान कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी के जो संबंध थे वो जस्टिफाइड हैं और सम्मनों पे ना पेश होने के चलते बगाड़ा होने के चलते अब मान अदालत ने उनको सतारह तरीक को उनके सामने पेश होने को कहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मान कोर्ट का ये फैसला यह सत्य की बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया कोर्ट में कोर्ट में उनको अपीयर होने को बाध्य किया गया कि आप आपको आपाकोस तरीक कोर्ट में पेश होना पड़ेगा यह सम्मन इशू किए गए हैं अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ईडी के सम्मन नकली हैं ईडी के, के कोई के पास कोई सबूत ही नहीं है ईडी ने सारे सबूत जब कोर्ट के सामने पेश किए दस्तावेज पेश किए रिकॉर्ड पेश किया कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं क्यों उनको ईडी के सामने आना चाहिए तो मानियो कोर्ट भी उन दस्तावेजों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को पेश होने को मजबूर कहने को मजबूर तो बचा फेस, फेस करना पड़ेगा शराब घोटाले के चलते मैं फिर आज दोहरा देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सजा पाएंगे अंत में सत्य की जीत हुई और करप्ट बेईमान लोगों की हार हुई अरविंद केजरीवाल जी को अब मान कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी के जो संबंध थे वो जस्टिफाइड हैं और सम्मनों पे ना पेश होने के चलते भगौड़ा होने के चलते अब मान अदालत ने उनको सतारह तारीख को उनके सामने पेश होने को कहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मान कोर्ट का ये फैसला यह सत्य की बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया कोर्ट में कोर्ट में उनको अपीयर होने को बाध्य किया गया कि आप आपको को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा यह सम्मन इशू किए गए हैं अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ईडी के सम्मन नकली हैं ईडी के, के कोई के पास कोई सबूत ही नहीं है ईडी ने सारे सबूत जब कोर्ट के सामने पेश किए दस्तावेज पेश किए रिकॉर्ड पेश किया कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं क्यों उनको ईडी के सामने आना चाहिए तो मानियो कोर्ट भी उन दस्तावेजों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को पेश होने को मजबूर कहने को मजबूर तो बचा फेस, फेस करना पड़ेगा शराब घोटाले के चलते मैं फिर आज दोहरा देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सज़ा पाएंगे